इंदौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब आम जनता के साथ साथ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, आपने सही सुना है। ताजा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के नरवर गांव से सामने आया है। यहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार नरवर में कुछ बदमाश चौराहे पर खड़े होकर नशा कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। सूचना के आधार पर बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक सुरेश गुर्जर और रंजन सोलंकी मौके पर पहुंचे। तभी नशा कर रहे आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सुरेंद्र गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे पुलिसकर्मी को मामूली चोट आई है। कल बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरवल क्षेत्र में हमारे दो पुलिस जवानों को, जो कि बाणगंगा की बीट दीपमाला में तैनात हैं, उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लड़के वहां पर चाकू लहरा रहे हैं और दारू व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर हमारे पुलिस जवान वहां पर पहुंचे तो वहां पर उस घरों में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर ये घुसते हैं तो उनको एक दो लड़के शराब व अन्य मादक पदार्थ जैसे गांजा व पाउडर जैसी अन्य चीज़ों का सेवन करते हुए मिलते हैं। वहाँ पर एक उनको एक लड़की भी मिल रही जो उनके साथ में बहस करती है और वाद विवाद करने लगती है। उनसे जब जवानों ने जो लड़कों से और लड़की से थाने चलने की बात करी तो वो हुजतबाजी पर उतर आए। उनके साथ में दो चाकू भी वहीं पर रखे हुए थे। जब हमारे जवानों ने उसको उठाने की कोशिश करी उन चाकुओं को, तो वो लोग जो लड़के थे बड़े नशे में थे और उनके साथ में हुज्जतबाजी चालू कर दी और उसी हुज्जत में हमारे दो जवानों को उन्हें चाकुओं से वार किए। घटना के तुरंत बाद घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आरक्षक सुरेंद्र गुर्जर की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं दूसरे पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई है। इस पूरी घटना को लेकर बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।